हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले आदिपुरुष के टीजर को लेकर, क्योंकि सारे लोग बहुत ज्यादा वीडियोस बनाकर पैसे छाप रहे यार, तो हम भी कुछ तो छापेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज आदिपुरुष के डिटेल टीजर के एनालिसिस पर। तो आदिपुरुष का टीजर देखने के बाद हमें पहला सवाल आता है कि क्या ये फिल्म सच में 500 करोड़ में बनी है या नहीं। तो इसका सीधा आंसर है कि हाँ, ये बनी है, क्योंकि इसमें जो एक्टरों की फी है वो ही 250 करोड़ है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और अगर आप कार्तिकेया 2 से कंपेयर करें इसके एनिमेशन स्टाइल के, क्योंकि कार्तिकेया 2 में भी कुछ एनिमेशन शॉट लिए गए थे, तो कार्तिकेया 2 का बजट था 15 करोड़ और इसका बजट है 500 करोड़, तो उसके मुकाबले कार्तिकेया 2 से थोड़े बेटर है, पर ये जस्टिफाई नहीं होता। और क्यों ये इतने कार्टूनिश लग रहे हैं, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा बादल के चैनल का एक वीडियो, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो आप चेक कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों इस फिल्म के VFX शॉट इतने ज़्यादा घटिया कार्टूनिश लग रहे हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है बॉयकॉट आदिपुरुष के नाम का। मैं सच कहूँगा कि आदिपुरुष ने जो भगवान राम के किरदार को इतना ज़्यादा खराब बनाया और जो इसमें रामायण की चेष्टा की है वो मुझे हरगिज पल्ले नहीं पड़ रही, क्योंकि रामायण एक अपने आप में एक एपिक एडवेंचर स्टोरी है और उसके लिए आपको सिर्फ अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको अच्छी कास्ट से लेना देना नहीं, आपको अच्छे VFX से लेना देना नहीं, सिर्फ आपको एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करनी है। यहाँ पर भी डायरेक्टर ओम राउत मार्क है। और आपको मैं एक बात कहूँगा कि डायरेक्टर ओम राउत ने एक इंटरव्यू में ही कहा था, ये जो फिल्म मैं बना रहा हूँ आदिपुरुष, वो मैं जिस तरीके से रामायण को बचपन में देखता था वैसे ही प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ये किस ओर डायरेक्शन चल रहा है। बात करें आदिपुरुष के नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो यहाँ पर क्या इम्प्रूव हो सकता है, तो बहुत सारे सोर्सेस की माने तो हम यहाँ पर इस फिल्म को डिले वगैरह कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसके मेकर्स वगैरह डिले करेंगे। और हाल ही में एक ट्रेंड चल रहा था कि आदिपुरुष 3D में अच्छी लग रही है, वो अलग बात है कि ये समोसा क्रिटिक्स की ही कोई साजिश है, पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर VFX खराब है तो खराब है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये 3D में अच्छी लगेगी, 2D में अच्छी लगेगी। और अगर हम बात करें हेलबॉय फिल्म की, हॉलीवुड की, तो उसका भी बजट इस फिल्म के मुकाबले कम ही था, पर उसके VFX बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इम्प्रोवाइजेशन उसमें अच्छा था। मैं कहूँगा कि इस फिल्म को डिले वगैरह कर कुछ इम्प्रूवमेंट करी दी जाए, पर उससे बजट वगैरह बढ़ेगा तो मेकर्स करेंगे नहीं। और इसके अलावा मुझे कुछ यहाँ पर सोल्यूशन दिख नहीं रहा, सॉरी टू से, कि मुझे लग रहा है कि आदिपुरुष फिल्म हमें टोटली डिसअपॉइंट करेगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है आदिपुरुष के ऊपर, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू आर फिल्म। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।